आज आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ। आज अच्छी बारिश हुई है ना? ठीक है गाइस, इतने दिनों से हम मिले नहीं है क्योंकि मेरे आइडियाज खत्म हो गए। अच्छा मैं क्या करता? आज मैंने ऐसे कोई आइडियाज दिया। और आपने कभी आपको भी ऐसे इंसान को मिला जिसको टाइटैनिक के बारे में नहीं पता? सबको पता है ना, तो आज मैं आपको उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी चालू करते हैं। टाइटैनिक की दो और सिस्टर शिप्स थी, एक का नाम ओलंपिक था, एक का नाम ब्रिटैनिक था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था, पर आपको पता ही है क्या हुआ था। टाइटैनिक पे इनफ लाइफ बोट नहीं थे जो सबको बचाया जा सकता था। फिर टाइटैनिक को आइसबर्ग ने सिंक करने का कॉल नहीं किया था। टाइटैनिक की कुछ ओल्ड फोटोज है, उसमें आपको एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा। तो जब उसने आइसबर्ग को हिट किया तो उसी ब्लैक स्पॉट पे हिट हुआ और वो कमजोर था तो वो टूट गई और पानी अंदर आने लगा। फिर आपको पता ही, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, पर एक शिप का नाम ब्रिटैनिक था जो कि एक हॉस्पिटल शिप थी वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त। अब वो वाली शिप एक बार पैसेंजर्स को वुंडेड सोल्जर्स को लेने जा रही थी, जब नियर द आइलैंड ऑफ किया एक जर्मन यूबोट ने या तो उन्होंने एक माइन छोड़ा था या तो किसी ने एक टॉर्पीडो मारा था शिप को, और सिर्फ 10 मिनट में शिप नीचे डूब गई। पर ज्यादा लोग नहीं मरे क्योंकि उसमें ज्यादा लोग थे ही नहीं, और शिप की रैक अब भी नीचे पड़ी हुई। गाइस, ओलंपिक को 2 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, वो भी शिप्स के साथ। एक HMHS हॉक और दूसरे वाले का आई थिंक मेरे को नाम पता नहीं है, पर उसके साथ हुआ था, तब भी वो क्या बोलते हैं, सिंक नहीं हुई, पर उसको स्क्रेप कर दिया गया। फिर बस गाइस, आज के लिए इतना ही है। और मैं आपको एक और शिप के बारे में बताना चाहता हूँ जो अभी मतलब टाइटैनिक से भी बड़ी है, और टाइटैनिक से बड़ी है। आप लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया जाइएगा, वहां पे एक शिप का नाम मिलेगा आपको, क्वीन मैरी। वो शिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वो एकदम वर्ल्ड वॉर 2 से है, आप बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं। और अगर जाओगे घोस्ट इक्विपमेंट लेके जाना, भूतों की जगह है, सच बोल रहा हूँ गाइस। आप लोग सर्च मार सकते हैं क्वीन मेरी हॉन्टेड गूगल पे, आपको सारी हॉन्टेड जगहों के बारे में मिल जाएगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही।